नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय यादव। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत साकेत नगर पार्क में रहने वाले यह राजस्थानी मूर्तिकार परिवार की महिलाएं वाटर कूलर से पानी लेने के चक्कर में आपस में ही भिड़ गईं। लड़ाई भी ऐसी की कि आपस के ही परिवार में जमकर पथराव हो गया। एक दूसरे के घरों में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया व आपस में गाली गलौज कर बीच सड़क पर ठक्का मुक्की तक करने लगी। वहीं मौके पर पहुंची थाना गोविंदनगर फोर्स ने हालात बिगड़ते देख महिलाओं के ऊपर लाठी चलाना शुरू कर दिया। कानपुर के थाना गोविंदनगर अंतर्गत गणेश मूर्ति बनाने वाले आपस में भिड़े राजस्थान के रहने वाले हैं। यह लोग गोविंदनगर चौकी के बगल में लगे वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने के विवाद में महिलाओं के बीच पहले कहासुनी हो गई, उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पहले पथराव और फिर हाथापाई शुरू हो गई, जिसके चलते महिलाएं सड़क पर एक दूसरे के बालों को खींचते हुए रोड पर लड़ने के लिए आ गईं। महिलाओं ने मौके पर पहुंची गोविंदनगर पुलिस की भी नहीं मानी। स्थिति बिगड़ते देख गोविंदनगर पुलिस ने महिलाओं पे फांजी लाठियां। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट।